यहाँ पर, यहाँ पर। सर एक बार थैंक यू। ओके सर, ओके सर। आपका न्यू ईयर कैसा रहा सर? न्यू ईयर बहुत अच्छा रहा, गोवा में था मैं, थैंकफुली सेफली वापस लौटा हूँ एंड लौटते ही शूट रिज्यूम किया। सो 3 जनवरी को शूट रिज्यूम किया, तब से नॉन स्टॉप शूट कर रहा हूँ रोज़। बट नए साल की शुरुआत कुछ खास नहीं रही है, बिकॉज जैसे ही नया साल शुरू हुआ तो 3rd wave स्टार्ट हो गया। बट होपफुली अगले 15-20 दिनों में यू नो सब कुछ सही हो जाएगा एंड ये जो बाकी का साल है फरवरी से लेकर दिसंबर, ये सब के लिए पॉजिटिव रहे, बहुत ही अच्छा रहे, सब लोग खुश रहे, यही प्रे करता हूँ एंड यही विश करता हूँ। ओके सर, गुड टू सी यू आफ्टर अ हेक्टिक डे। कैसा था आज का दिन और आज क्या क्या कुछ हुआ ऑन सेट, थोड़ा बता सकते? मैं रोज़ ये एक्चुअली ये जो स्टूडियो है ये मेरा मंदिर है, फॉर मी वर्क इज़ वर्शिप। तो हर दिन जब भी मैं आता हूँ मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपना 1000% दूँ। तो जब भी मेरा पैकअप होता है ना मैं बहुत ही खुश होता हूँ, मतलब इसलिए नहीं कि पैकअप हो गया, बट वो जो सेटिस्फैक्शन होती है एक एक्टर को, एक आर्टिस्ट को, पूरा दिन काम करने के बाद, अच्छा काम करने के बाद आपको जो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, आई थिंक उसी के लिए हम सब मेहनत करते हैं एंड ऑडियंसिस को एंटरटेन करने के लिए अपना 100% 1000% देते हैं। सो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी पावर पैक्ड सीन्स शूट किए हैं, काफ़ी ड्रामा आ रहा है हमारे शो कुंडली भाग्य में। सो सब कुछ ऑडियंसिस के एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। ये सो श्रद्धा आर्या मैम का फर्स्ट डे था आफ्टर कोविड और उनका मैरिज, तो किस तरह का इंटरेक्शन था आज? कुछ नहीं, जैसे ही मैंने उनको देखा मैंने कहा वेलकम बैक एंड शी इज़ लुकिंग फाइन एंड हेल्दी। उस श्रद्धा के साथ ही सीन था मेरा, काफ़ी बड़ा सीन था। थैंकफुली कोविड के बाद भी शी इज़ नॉट लुकिंग वीक, वो अपने एलिमेंट में थी, खुश थी, हेल्दी थी। सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई ऑलवेज विश कि वो इसी तरह हेल्दी रहे, खुश रहे एंड मुस्कुराती रहे। एंड आफ्टर 4 years आपका किरदार अभी भी सराहा जाता है, जिस तरह से ऐसा नहीं बोल सकते कि मेन रोल है बट 4 साल पूरे हो गए, तो इस जर्नी को किस तरह से आप डिफाइन कर सकते? वेल आई डोंट नो मेन रोल किसको बोलते हैं किसको नहीं बोलते, पर मैं इस शो में कैमियो के लिए आया था 3 महीने के लिए एंड एक कैमियो रोल को जब नेगेटिव लीड बनाया जाता है तो उससे ज़्यादा मेन रोल और कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, पर मैं जब भी यहाँ आता हूँ ये सोच के नहीं आता हूँ कि मैं नेगेटिव लीड प्ले कर रहा हूँ, या फिर मैं बस ये सोच के आता हूँ कि जो मुझे कॉन्टेंट दिया जा रहा है राइटर्स की तरफ से, प्रोड्यूसर्स की तरफ से, क्रिएटिव्स की तरफ से, मुझे बखूबी निभाना है एंड इस तरह से निभाना है कि ऑडियंसिस को एंटरटेन कर पाऊँ एंड जो लोग मुझ में बिलीव करते हैं, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं एकता मैम, एवरीवन एट बालाजी टेलीफिल्म्स, ऑडियंसिस, व्यूअर्स, उन सबको प्राउड फील करा सकूँ एंड बालाजी का शो करना, एक टॉप रेटेड शो करना अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, काफ़ी पूरी इंडस्ट्री की नज़र होती है। सो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड थैंकफुल एंड आई थिंक समहाउ मैंने टाइपकास्ट को ब्रेक किया है। जिस तरह से लोग विलन्स को देखते थे उस तरह से लोग मुझे नहीं देखते हैं, तो समहाउ उस टाइपकास्ट को तोड़ने में मैं कई हद तक सक्सेसफुल रहा हूँ एंड ये ऑडियंसेस और व्यूअर्स के सपोर्ट और ब्लेसिंग्स के बिना पॉसिबल नहीं है। बिग बॉस कितना फॉलो कर पा रहे? बिल्कुल भी नहीं। एंड लास्ट, ओके सो लास्टली अब आप देखो आप कितने बज रहे हैं अभी कितने बज रहे हैं? 10 ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं, घर पहुँचते पहुँचते हो जाएंगे 10 बज जाएंगे और ऑब्वियसली मैं घर पहुँचने के बाद अब मैं अपनी वाइफ अपने दोनों पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगा, ना कि डिशूम डिशूम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।